और नहीं तो मैं गुस्सा आया, क्या करूँ क्या करूँ, नहीं तो मैं बोला वापस चलने लगेगा, तो ठीक है उसके बाद वो वापस पीछे आएगा, तुम नहीं मानोगे ना, फिर बैग मारना उसको प्रॉपर। चलो मानो जी, ये अमिताभ बच्चन का लुक है एकलव्य में ना, अरे कुछ था ना, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, एनी वे सो अलग है क्योंकि मैं अभी एक अवनी को सरप्राइज देना चाहता हूँ और इसलिए मैं रूप धारण करता हूँ और अवनी टोटली फॉल्स फॉर इट। तो फिलहाल आई एम वंडरिंग कि राज ने रूप धारण कैसे बोल दिया, बिकॉज इज इन दिस वेरी बैड, एक्सक्यूज मी, आई एम आश्चर्यचकित विद योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हिंदी, शट अप। सो राइट नाउ आई एम शॉक कि इन्होंने आश्चर्यचकित कैसे बोल दिया, बट जी हाँ, दिस होल गेटअप इज वेरी फैसिनेटिंग टू मी एंड या अच्छा है। कुछ ना राज के पास दिमाग ही इतना है कि वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं अवनी के पास रहने का। सो अवनी के पास रहने का मतलब, हाँ मेरे साथ रहने का ना, हाँ गोवा। ओके अवनी, आपको कैसा लग रहा है आज का ये नया लुक? मुझे थोड़े स्कैरी लग रहे हैं। ओह माय गॉड, आई प्रिफर राज नॉट दिस बरूपिया। तो इतनी फनी है अपनी, बस सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से लाती है? व्हाट इज द सीक्रेट टू योर सेंस ऑफ ह्यूमर? राज, अच्छा ये जानना चाहेंगे कि ये रूप आखिर आपने किस लिए धारण किया? वही अपनी को सरप्राइज देने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एक ट्रिप प्लान करते कि हमारे अपनी आउट ऑफ बॉम्बे बोल रहे, आउट ऑफ जयपुर कहीं जाएंगे हम लोग एक दिन के लिए, लेकिन कुछ पोपड़ हो जाता है अवनी का, लेकिन फिर भी राज आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है और चाहता है कि अवनी को ये सरप्राइज मिले, इसलिए वो रूप धारण करता है ताकि अवनी को सरप्राइज मिले और अवनी सरप्राइज हो जाती है, डर जाती है लेकिन सरप्राइज हो जाती है।